हाय दोस्तों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के थर्ड चैप्टर डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी की एक्सरसाइज क्वेश्चन का सी डॉट जे। इसके अंदर में क्या बोला गया है, गिवन थ्री पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ ऑल थ्री पॉइंट्स फॉल ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब कि हमें एक स्ट्रेट लाइन के तीन पॉइंट दिए गए और हमें चेक करना है कि स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के हैं कि नहीं है। मतलब कि स्लोप चेक करना है कि जो तीनों पॉइंट्स को लेकर के जो एंगल ड्रॉ हो रहा है वो सेम ही लाइन के अंदर है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले प्रोग्राम लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें स्लोप नहीं आएगा तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए स्लोप ये है, ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, x2 y2, x3 y3, x1 y1। तो इस तरीके से इसका यूज कैसे करते हैं, तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन का मतलब होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो जब इस यहाँ दोनों के बीच में निकालेंगे तो इससे करेंगे, और इनके बीच में निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में करेंगे कि y3 - y2 डिवाइडेड बाई x3 - x2। तो इस तरीके से हम स्लोप निकाल देंगे कि मतलब एंगल सेम पे जा रहे हैं। अगर सेम पे जा रहे हैं तो मतलब कि सेम है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हम इसके लिए सिंपल सा प्रोग्राम हमारा लिखते हैं। सेव करते हैं इसको हम लाइन स्लोप। int x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए पॉइंट्स के लिए। अब इनकी हम वैल्यू ले लेते हैं, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ x1 y1, दो तो वेरिएबल की एंट्री हम एक एक साथ लेंगे, परसेंट डी इसके अंदर m% x1 m% y1, ये हो गया हमारे पास में। इसके साथ में हम नो लाइन कैरेक्टर भी लगा देते हैं ताकि पीछे स्क्रीन के ऊपर कुछ भी मैस ना हो। शिफ्ट इंसर्ट, ये x1 y1 की वैल्यू थी, ये x2 y2 की वैल्यू है, ये x3 y3 की वैल्यू है। तो हम पहले तो इनको देखो इनपुट चेक कर लेते हैं कि हमने जो इनपुट दिए हैं वो बिल्कुल सही थे कि नहीं है, रीड सही हुए कि नहीं है। वैल्यूज ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स x1 y1 इक्वल टू कितना था, परसेंट डी यहां पे आएगा x1 y1। ठीक है, इसको भी हम स्लैश एंड कर देते हैं और इसको हम कॉपी करते हैं, शिफ्ट इंसर्ट इसके अंदर हम x2 y2 की वैल्यू ले लेते हैं, इसके अंदर हम x3 y3 की वैल्यू ले लेते हैं,
एक्स थ्री वाई थ्री, इसको हम डीबग करके चेक करते हैं। कंट्रोल एफ नाइन, एक्स वन वाई वन की वैल्यू क्या डाली हमने, माना वन टू। ये हमारे पास कुछ गड़बड़ हो रखी है, यहाँ पे हमने एंट्री के अंदर कुछ बंगा कर दिया है। एक्स वन वाई वन एक्स थ्री वाई थ्री एक्स टू वाई टू एक्स वन वाई वन प्रिंट हो गई हमारे पास में परसेंट के परसेंट एक्स वन वाई वन की वैल्यूज। कंट्रोल लेफ्ट नाइन हमने करा इसको, वन स्पेस टू, ये डाला हमने टू स्पेस थ्री, थ्री स्पेस फोर, देखिए वन टू टू थ्री थ्री फोर, ये हमने पॉइंट डाले थे। अब हम इसको चेक कर लेंगे, कैसे चेक करेंगे, चेक करने का सीधा सा एक ही डायरेक्ट हम कर देते हैं कि मतलब स्लोप कैसे चेक होगा। इफ क्या फॉर्मूला था हमारे पास में, वाई थ्री माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ये जो वैल्यू निकल रही है अगर वैल्यू इक्वल है इसके, इसके वाई वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, अगर ऐसा है तो प्रिंट एफ पॉइंट्स आर ऑन सेम लाइन, एल्स प्रिंट एफ पॉइंट्स आर नॉट ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको हमने करा ऑल्ट एफ नाइन, कंट्रोल एफ नाइन जरन करा करके देखा, वन टू टू थ्री थ्री फोर पॉइंट्स आर ऑन सेम लाइन, ये बिल्कुल सेम लाइन के ऊपर है। अब इसको हम कुछ चेक करके देखते हैं, वन टू टू थ्री थ्री फोर करा तो कुछ तो पॉइंट्स ऐड करते हैं एंट्राला से, कंट्रोल एफ नाइन, वन टू थ्री थ्री फाइव पॉइंट्स आर नॉट ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाला और उससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम हो गया। इस तरीके से ये प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।